थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत रख ली। मैंने ये झूठ नूर अम्मी के लिए बोला है, अगर सच जान ले पाओ तो झूठ बोल लेना चाहिए। साफ साफ कहो जो कहना चाह रही। मैं कहना ये चाहती हूं कि हम आपका इलाज करवाएंगे, सारी दुनिया में जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं सबके पास जाएंगे। What rubbish, आफरीन। Don't be stupid. तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब नहीं किया होगा? सोफी ने नहीं किया होगा? इतने साल में डॉक्टर्स कहते हैं hopeless case. जब सोफी ने 5 साल में हार नहीं मानी तो मैं चंद महीनों में हार कैसे मानूं? शादी करते वक्त तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं वही कसम निभा रही हूं। जिस तरह सारी दुनिया के सामने बेनकाब करके मेरी हकीकत सबके सामने आ जाए, बहुत अच्छी वफा निभा रही हो। ये वफा है तुम्हारी। अगर एक औरत की वफा का पैमाना ये होता है कि वो कितना जल्दी अपने शौहर को छोड़कर किसी और की हो जाए तो मैं बेवफा ही सही। तुम्हारी झूठी रिपोर्ट के बाद इस घर का एक एक फर्द हमारी खुशी का मंतजर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब हकीकत सबके सामने आएगी तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगी। मैं कह दूंगी कि कमी मुझ में है। मसला तो उससे भी नहीं सॉल्व होगा ना। तुम अगर सबसे कह दोगी कि कमी तुम में, फिर क्या होगा? सानी अपने रिश्ते की बात अम्मी के आगे रख देगी और इस खानदान की बका के लिए अम्मी हाँ कर देंगी। फिर मैं आ जाऊंगा, ये हकीकत तो सबके सामने आ जाएगी ना। आफरीन, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं इस दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अगर मैंने आपका साथ दे दिया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी।